नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट दोस्त राखिल चौधरी। दोस्तों आज मैं फूड टेक के रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन अपडेट लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। अपने जो प्रॉपर जो फॉलो मुझे करते ही हैं, मतलब कि मेरे वीडियो पे ज़्यादा व्यू तो बचते नहीं है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 बच जाएंगे, 40 बज जाएंगे, 50 बज जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं बचते मेरे व्यू। तो उन्हीं 40-50 जनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक ब्लॉग शूट करके आप इस चैनल पे डालना चाहता हूँ, क्या आपको वो चीज़ पसंद आएगी? वैसे मेरे को लगता है पसंद तो आनी चाहिए, क्योंकि सभी को ही दूसरों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेने का अलग ही मज़ा आता है। मतलब कि सबको यार, मेरे को भी पसंद था, फ्लाइंग मिस्ट को नहीं देखता मैं, देखता हूँ तुम भी देखते होंगे। क्या बात कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना? या फ्लाइंग मिस्ट तो आपने देखा, अगर नहीं देखा दोस्तों देखिए जाके, आपको बहुत ही मजा आएगा उनका कंटेंट देखने में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे ही एक ब्लॉग शूट करूँ और आपको इस चैनल में प्रोवाइड करूँ, अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, चलिए गाइस अब सीधा अपडेट पे चलते हैं। इसमें गाइस पहला अपडेट आता है हमारा इमेजिन फूड को लेके। इमेजिन फूड ने दोस्तों एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कराया है, जो उन्होंने कहा है कि वो वीगन प्रोटीन लेके आना चाहते हैं मार्केट में, जिसके जो क्या कहते हैं चेयरमैन है वो रितेश देशमुख और जरीना देशमुख है। उन्होंने कहा है कि ये जो उन्होंने प्रोडक्ट निकाला है वीगन प्रोटीन, ये एक मीट रिप्लेसर है, मीट की जगह हम इसे खा सकते हैं और ये मीट की तरह ही दिखेगा, लेकिन ये होगा वीगन। जैसे मैंने अपने पिछली ही वीडियो में डिस्कस करा था, इसका थंबनेल आपको ये दिख रहा होगा। तो इस चीज बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों। आप मैंने आपको ट्रेंड में इस वीडियो में बताया था कि कैसे आगे ट्रेंड इन्हीं सब चीजों का आने वाला है। वैसे आप देखो, इमेजिन मीट ने भी निकाल दिया, लॉन्च कर दिया है अपना प्रोडक्ट मीट रिप्लेसर, और अपना प्रोटीन निकाले वीगन प्रोटीन। बहुत दोस्तों बहुत ही ज्यादा इसका ट्रेंड होने वाला है वीगन प्रोटीन के बारे में इंडिया में, खासकर इंडिया में। तो दोस्तों दूसरा अपडेट आता है हमारे इम्यूनिटी को लेकर, कि कौन कौन सी आइटम हमें खाने चाहिए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दोस्तों ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है COVID-19 से लड़ने के लिए। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कौन कौन से हमें न्यूट्रिएंट्स हमें खाने में इस्तेमाल करने चाहिए, वो है, एक हो गया हमारा जिंक, हो गया एक विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, हमारा प्रोटीन हो गया, सीलियम होगा, आयरन हो गया, और एक डाइटिशियन और फेमस जो रिसर्चर वो कहते हैं कि अगर आप ये सनफ्लावर ऑयल में कुक करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये चीजें आपको मिल जाती है सनफ्लावर ऑयल में। तो दोस्तों ये था एक सेकंड अपडेट। अब आते हैं हम थर्ड अपडेट पे। अपडेट है हमारा वृति को लेके। वृति ने दोस्तों एक लैंच वृति बोल रहा हूँ हाँ वृति वृति ने दोस्तों एक ऐप लॉन्च करा है। ऐप का नाम रखा है उन्होंने एनी दुकान, मतलब कि कोई एक ऐप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दिया है तो दुकानदारों के लिए और एक एज अ कस्टमर के लिए भी। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक लॉन्च करा, अपना ऐप लॉन्च करा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और उस ऐप का नाम रखा है एनी दुकान। मतलब कि अगर कोई किराने की दुकान है वो भी अपना प्रोडक्ट उस ऐप में दिखा सकता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है। अगर आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप दो तरह से इसमें से लॉगिन कर सकते हैं, एज अ कस्टमर और एज अ मर्चेंट। मर्चेंट में आ जाएंगे दुकानदार, एज अ कस्टमर में आ जाएंगे हम जैसे लोग जो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं उन दुकानदारों से जो मर्चेंट वहां पे बने हुए हैं। मतलब कि कोई भी इंसान उस उधर जाकर मर्चेंट बन सकता है अपने स्पेशलाइजेशन, जहाँ इसमें आपको डेयरी से लेके मेडिसिन तक की ऐप, मेडिसिन के जो भी लोग होते हैं उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, ग्रोसरी है, काफी कुछ चीजें। आप ऐप को इंस्टॉल करके जरूर देखिएगा, बेहतरीन ऐप है। दोस्तों अगला अपडेट आता है हमारा नेस्ले की तरफ से। दोस्तों नेस्ले ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम रखा है, उन्होंने नाम रखा है दोस्तों जेस बार। तो जेस बार एक तरह की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, मतलब एक छोटी सी मील रखी हुई है, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो थोड़े थोड़े पैकेट में प्रोटीन लेना पड़ता है कम से कम एक छोटे छोटे इंटरवल में। तो उनके लिए स्पेशल ऐसे स्नैक्स निकाल लेके आए हैं जिसमें आपको एक बार में कम से कम 10 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है। जो प्रोटीन होगा जो नट्स हो गए और पी हो गए, इस पे ही बेस्ड होगा, और उनकी अपनी मर्जी भाई, नेस्ले वाले कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास बहुत मनी 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 है। तो दोस्तों दूसरा आखिरी अपडेट आता है हमारा एक बेकरी के रिलेटेड, कि अगर बेकरी में आप सभी जेलेटिन और सोरबिटोल का इस्तेमाल कर सकते हैं,
जेलेटिन और सोर्बिटोल दोस्तों ये करते क्या है, डो को जो हमारा बेकरी में जो डो होता है उसे अच्छी तरह से शेप में बना के रखते हैं। शेप में बना के रखना मतलब कि ज़्यादातर जो हो गए वो नमक का यूज़ करते हैं, शुगर का यूज़ करते हैं, फैट का यूज़ करते हैं, लेकिन आप ग्लैसरीन और सोर्बिटोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ को हटाने के लिए, मतलब कि शेप में बनाने के लिए लोगों। समझ गया यार, ये छोटे मोटे से अपडेट में मेरे को तो पसंद ही नहीं है कि ये लेके आना, मतलब फिर भी आपको पता होना चाहिए। मेरे को अच्छे लगते हैं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग सा हो भाई, मतलब समझ रहे हो ना आप, मेरी ऑडियंस समझ रखते हो। तो दोस्तों मुझे बताना जरूर, जो मैंने शुरुआत में बात करी है कि मैं ब्लॉग लेके आऊँ या ना लेके आऊँ, अगर नहीं लेके आऊँ तो भी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, लेके आऊँ तो भी बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी करते हैं ना, बेल आइकन को भी दबा देना, और मुझे फॉलो कर सकते हैं अभी इंस्टाग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और ट्विटर पे भी फॉलो करें।